So let's start with oogenesis. It is gamete formation in females, which is ovum. Now, we will go by comparing oogenesis process with spermatogenesis because comparing से चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए. देखो, पहला difference तो आपको देखने मिलेगा कि oogenesis starts at embryonic life. Embryonic stage में after the determination of sex that it is going to develop as a female fetus. After the determination of sex, embryonic मतलब stage में ही उसका oogenesis का process चालू हो जाता है. जैसे कि हम लोग ने spermatogenesis में देखा था कि the process of spermatogenesis starts after the puberty, मतलब during or the onset of puberty. At the onset of puberty, the spermatogonia will start dividing and the gametes will be formed. But you can see over here at the early embryonic stage only, the process of oogenesis has started. अभी क्या क्या होता है देखो. फर्स्ट प्राइमोडियल जर्म सेल, द प्राइमोडियल जर्म सेल्स विच इज डिप्लॉयड ऑब्वियसली अंडरगोस माइटोसिस टू फॉर्म ओगोनिया. अभी देखो, हम लोग ने पढ़ा है कि कोई भी गेमीट फॉर्मेशन में थ्री फेजेस होते हैं. पहला है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज. मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ, एंड देन देर इज मैच्यूरेशन फेज. तो थ्री फेजेस इन दिस. नाउ तो ये जो फेज हुआ ना, मतलब ये जो फेज हुआ प्राइमोडियल जर्म सेल्स डिप्लॉयड से माइटोसिस होके ओगोनिया डिप्लॉयड बना. माइटोसिस हुआ, इक्वेशनल डिविजन, नो चेंज इन प्लॉयडी लेवल. ये जो फेज हुआ, दिस फेज इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन फेज. पहले मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि गैमेट बहुत सारे बनने हैं हमें पता है. Multiplication phase, the first step of gamete formation. Now, after the multiplication phase, अभी हमारा oogonia तैयार हो गया. Oogonia में होगा growth. Growth होने के बाद oogonia बनाएगा the primary oocyte, which is also diploid. क्योंकि growth ही हुआ है सिर्फ. तो second अपना phase हो गया इधर. Second over ये phase चालू हो गया, growth phase. Multiplication हो गया, growth हो गया. अभी नाउ प्राइमरी ओसाइट किधर किधर देखने मिलेगा आपको. सीन इन प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, अर्ली एंड टर्शियरी फॉलिकल्स. अभी फॉलिकल्स क्या है? फॉलिकल्स आर द कवरिंग्स. ये जो फॉलिकल है, दिस इज नथिंग बट द कवरिंग्स, कवरिंग्स ऑफ एग्स, एग या ओवम. देखो, मेन गैमेट तो प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, ये सब बनाएगा. बट ये क्योंकि हमारा ओसाइट, एग या ओवम फर्टिलाइज होने के बाद बनाने वाला है जाइगोट. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द जाइगोट, ओके, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ द जाइगोट, वी नीड कवरिंग्स. मतलब उसको अलग अलग लेयर्स चढ़ाने पड़ेंगे हमें. अलग जैसे कि वी हैव टू प्रोटेक्ट समथिंग, वेरी प्रीशियस ग्लास का कोई मटेरियल है आपको प्रोटेक्ट करना है, आप उसके ऊपर कोई भी कवर लगाओगे, पॉलीथीन का हो, कॉटन का हो, कुछ भी कवर्स लगाओगे आप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए. सेम वे द प्राइमरी ओसाइट के कवरिंग्स में भी चेंज आते हैं. मतलब फॉलिकुलर फेसेस जब पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे, कि फॉलिकुलर फेसेस क्या होता है ना, फॉलिकल्स में भी चेंजिंग होता है. कैसे? प्राइमोडियल फॉलिकल सेकेंडरी में, प्राइमरी में बदलेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से अर्ली टर्शियरी, फिर टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम. कैसे वो चेंजेस होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द मेंसेस, वी विल स्टडी दैट. दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेसेस. तो फॉलिकल्स में भी चेंज होता है, तो ओसाइट में भी चेंज हो रहा है, फॉलिकल्स में भी चेंज हो रहा है. इसीलिए दोनों का चेंजेस साथ में समझना किसमें क्या हो रहा है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड इन द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस. इसलिए आप इतना याद रखो खाली कि ओगोनिया डिप्लॉयड से ग्रोथ हुआ और बना प्राइमरी ओसाइट, पहली बात तो. और प्राइमरी ओसाइट आपको किधर देखने मिलेगा? प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी एंड अर्ली टर्शियरी फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल में इट फॉर्म्स सेकेंडरी ओसाइट, जो कि इधर देखने मिल रहा है. इनसाइड ग्राफियन फॉलिकल इट फॉर्म्स सेकेंडरी ओसाइट. ओके, नाउ प्राइमरी ओसाइट विल अंडरगो मियोसिस वन. प्राइमरी ओसाइट अंडरगोस मियोसिस वन. तो आप देख रहे हो ये सब बर्थ होने से पहले ही चालू हो गया सब. देखो, हमें पता है कि मियोसिस में मियोसिस जो डिवीजन है वो टोटल दो पार्ट में होता है. देखो, मियोसिस टेक्स प्लेस इन टू पार्ट, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू.
मियोसिस टू तो सेम लाइक इक्वेशनल डिवीजन है, उसमें कुछ क्रोमोसोम का चेंज होता नहीं है, इट इज सेम लाइक माइटोसिस। मियोसिस वन इज द रिडक्शनल पार्ट जिसमें रिडक्शन होता है डिवीजन का। नाउ मियोसिस वन में भी मियोसिस वन इज डिवाइडेड इंटू प्रो मेटा एंड एना एंड टीलोफेस। प्रो मेटा एना टीलो, प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस। अभी इसका जो मियोसिस वन का प्रोफेस, मियोसिस वन का जो प्रोफेस है दैट इज मियोसिस वन प्रोफेस इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इंटू फाइव सब स्टेजेस, दैट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। तो ये पांच स्टेजेस में, ये सब आप पढ़ोगे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। अगर आपको पता भी नहीं है तो आप खाली अभी याद रख लो, फिर आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, मियोसिस वन का प्रोफेज वन के लिप्टोजाइगो पैकी डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, उसमें से ये जो डिप्लोटीन है उसमें जाके ये मियोसिस रुक जाता है। क्या हुआ भैया अभी इधर देखो, मियोसिस वन जैसे कि आपने बोला प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉइड है, इस पे मियोसिस होगा तभी तो जाके गैमेट बनेगा। मियोसिस वन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट्स इन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, ओके स्टार्ट्स इन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। अभी तक बर्थ नहीं हुआ है, उस जो भी फीमेल फीटस है उसका बर्थ नहीं हुआ है, बट इतना सारा काम हो गया है, ग्रोथ हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, मैच्यूरेशन चालू भी हो गया। मियोसिस वन यहाँ पे चालू हो गया, बट क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बट गेट्स अरेस्टेड इन द प्रोफेज वन ऑफ डिप्लोटीन स्टेज। प्रोफेज वन के डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है। अभी पहला क्वेश्चन, वाई अरेस्ट, अरेस्ट क्यों हुआ? दूसरा क्वेश्चन, कब चालू होगा? ओके अभी कब चालू होगा? आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ऑन द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन मियोसिस वन कंप्लीटेड अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, तो बनेगा सेकेंडरी ऊसाइट विच इज हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस वन इज रिडक्शनल डिवीजन, और फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि डीजेनरेट हो जाते आगे। अभी क्या हुआ समझ लो इसमें कि ना, देखो ये तो हम लोग ने समझ लिया कि ये पॉज हो जाता है, क्योंकि मियोसिस सॉरी ऊजेनेसिस में आप बहुत सारे पॉज पॉज देखोगे कि बहुत बार, दो बार पॉज होता है, बहुत बार नहीं, दो बार पॉज होता है, दो बार चालू होता है। तो इस तरीके से पॉज क्यों हो रहा है? पहली बात तो देखो सेल डिवीजन, दिस इज हम लोग ऐसा बोल रहे हैं बट इट इज वेरी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर अ सेल। ये सब प्रोसेस हो रहे हैं विच इज एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है फॉर अ सेल टू डिवाइड। क्रोमोसोम डुप्लीकेट करो, क्रोमोसोम को दो इक्वल सेल्स में बांटो, हर ऑर्गेनल डुप्लीकेट करो, ऐसा नहीं कि खाली आप बोल रहे हो इतना हो जाता है, बट एक सेल को पता है कि उस पर कितना एनर्जी जाता है, तो इट इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर अ सेल। सो क्या होता है ना, अभी देर इज अ मेल एंड देर इज अ फीमेल, मैं आपको बता देता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस ऊजेनेसिस का। ये देखो मेल को आप 100 रुपया दो वो पूरा खर्च कर डालेगा, ओके नो सेविंग्स, मेल टेंडेंसी ऐसा, वी डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। फीमेल का क्या होता है ना, आप 100 रुपया दो उसको 80 वो खर्च कर देगी, फिर 20 वो रखे रहेगी फॉर सेविंग्स, मतलब इन केस कुछ काम आ गया, कुछ आगे चाहिए रहेगा, तो शी कंजर्व्स। तो यही नेचर हमें, मतलब यही मेल और फीमेल का जो नेचर है हमें ऊजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में भी दिख रहा है। देखो उस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ, जितना एनर्जी था उसने सब खत्म कर दिया, फाइनली प्रोडक्ट बना दिए, गैमेट्स बना दिए, स्पर्म बना दिए, बट अभी फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं, मेन काम क्या है गैमेट्स बनाने का, फर्टिलाइजेशन है और जाइगोट फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन इंडीड, बट फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो गैमेट्स बनने का फायदा क्या, मतलब काम क्या हुआ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द गैमेट्स। तो उस चक्कर में जो गैमेट्स बने और वो फर्टिलाइजेशन में नहीं यूज हुए, तो वो गैमेट्स का मतलब उनके गैमेट्स के पीछे जो भी एनर्जी यूज हुआ है वो तो वेस्ट हो गया ना। सपोज जैसे कि सपोज अ मेल प्रोड्यूसेस 500 मिलियन स्पर्म्स, उनमें से तो एक या दो ही स्पर्म क्या होंगे, एक या दो ही स्पर्म जाके बेबी बनाएंगे, ऑब्वियसली इतने सारे प्रोजेनी तो प्रोड्यूस नहीं करेगा वो, एक या दो ही स्पर्म यूज होंगे उसमें से बेबी बनाने में, तो बाकी सबके डिविजन में तो इतना सारा एनर्जी मतलब वेस्ट हो गया। ओके तो फीमेल्स क्या करते हैं ना, फीमेल्स वेट, पूरा सेल डिविजन खत्म नहीं करते, वो वेट करते हैं सेल डिविजन को खत्म होने के लिए जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, जिसे हम आगे पढ़ेंगे।
तो इसीलिए बार बार ऑन ऑफ देखने मिलेगा कि फीमेल ऐसा खर्च करना ना हेजिटेट कर रहे हैं एनर्जी एनर्जी यूज करने में इन सेल डिविजन हेजिटेट, पहले रुक जाते हैं फिर चालू होता है, फिर थोड़ा रुकता है फिर वापस चालू होता है वैसा। तो मेल्स में तो एक सेट में खत्म सेल डिविजन गैमेट फॉर्मेशन, इसमें रुकता है चालू होता है, रुकता है चालू होता है वैसा, दो बार पॉज होता है यहाँ पे, और वो दो बार कहाँ कहाँ पॉज होता है वो जानना ही ये है। तो पहला रीज़न हमें पता, एक ही रीज़न है एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है फॉर, और दूसरी बात क्योंकि देखो स्पर्म का काम क्या है, खाली वो मेल के क्रोमोसोम्स पहुँचाना, स्पर्म पहुँचा देगा। अभी ओवम क्या है ना, ओवम के तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स तो है ही, उसके क्रोमोसोम्स है ही, फीमेल मैटरनल क्रोमोसोम्स है, बट उसमें क्या है ना, अभी फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन हो गया जाइगोट बन गया, जो ओवम का साइटोप्लाज्म है वही जाइगोट का साइटोप्लाज्म हो जाएगा क्योंकि उसमें न्यूक्लियस हो गया, और स्पर्म का तो कुछ साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है। ओके, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा था उसमें साइटोप्लाज्म का तो बहुत मिनिमल अमाउंट था, तो ये साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के से ही एनर्जी गेन करेगा ये जाइगोट, जाइगोट वुड गेट एनर्जी फ्रॉम साइटोप्लाज्म ओनली। तो एनर्जी कंजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फीमेल बिकॉज इस एनर्जी को ही यूज करेगा साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में जो एनर्जी है इसको ही यूज करेगा जाइगोट टिल इट गेट्स अटैच टू द यूट्रस, मतलब जब तक वो यूट्रस में जाके अटैच नहीं हो जाते, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता ये साइटोप्लाज्म में जितना भी मटेरियल रहेगा उसे ही यूज करके जाइगोट जिंदा रहेगा, जिसे 2 से 3 दिन लगते हैं। तो उस टाइम तक जिंदा रहने के लिए, इसीलिए ही उस टाइम तक सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए ही हमें देखने मिलता है अनइक्वल साइटोकाइनोसिस। अनइक्वल साइटोकाइनोसिस क्यों, देखो जैसे कि हम लोग ने देखा था कि मियोसिस में जब भी रिडक्शनल डिवीजन हो गया उसके बाद साइटोकाइनोसिस होता है, इक्वल साइटोकाइनोसिस होता है, बट इधर अनइक्वल साइटोकाइनोसिस होता है कब होता है, आफ्टर इधर तक हो गया, देखो मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ बट डिप्लोटिन में अटक गया, फिर ये रुक गया, इतना तो हम लोग ने पढ़ा कि मियोसिस 1 पॉस्ट, फिर क्या होता है बाकी सब डेवलपमेंट होता है फीटस का, फीमेल फीटस का बाकी सब डेवलपमेंट होने के बाद बर्थ होता है, बर्थ के बाद ये प्रोसेस अभी रुक गया है, तब तक कब तक रुक गया, प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी कब आता है, 10 to 12 years तक, 10 to 12, क्योंकि गर्ल्स प्यूबर्टी गर्ल्स में जल्दी आ जाता है, 10 to 12 years तक रुक जाता है ये प्रोसेस, मतलब ऑल द प्राइमरी ओसाइट्स आर अरेस्टेड इन डिप्लोटीन फॉर 10 to 12 years। फिर ऑन प्यूबर्टी आ गया, हॉर्मोन्स की वजह से मेंस्ट्रुएशन चालू होने वाला है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होगा, जब सेकेंडरी ओसाइट पहला सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, तो क्या होगा ना फिर प्राइमरी ओसाइट में से FSH जाके कुछ प्राइमरी ओसाइट्स को फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि FSH है कुछ स्टिमुलेट करेगा, फिर उनमें से कुछ कुछ चालू होंगे और वो मियोसिस 1 कंप्लीट करेंगे। फिर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का क्या फंक्शन है, टू रिटेन साइटोप्लाज्म, दैट इज टू रिटेन मोर एनर्जी, मतलब जितना साइटोप्लाज्म है उतना मटेरियल रहेगा, तो अगर उसका अगर फर्टिलाइजेशन हुआ उस ओवम का तो उसके पास साइटोप्लाज्म हो ताकि वो 2 से 3 दिन तक सर्वाइव कर सके जब तक उसका इम्प्लांटेशन ना हो। तो ये तो समझा आपको अनइक्वल साइटोकाइनेसिस क्यों होता है और ये ऑन ऑफ क्या है, ऑन ऑफ का चीज क्या है इन ओजेनेसिस। नाउ आफ्टर बर्थ देखो वी हैव सीन ओवर हियर कि आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी चालू हुआ पहले मेंस्ट्रुएशन के लिए, सेकेंडरी मतलब आफ्टर हार्मोन्स का जो भी चालू होता है फर्स्ट साइकिल के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल FSH LSH सब चालू होता है, सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीटेड डिविजन, प्राइमरी ओसाइट डिविजन कंप्लीट करके सेकेंडरी ओसाइट बनाता है, सेकेंडरी ओसाइट इज सीन इन ग्राफियन फॉलिकल जो मैंने ऊपर बता दिया है, फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलर बॉडी एक छोटा सा निकलता है, पोलर बॉडी निकलना जरूरी क्यों है क्योंकि हाफ क्रोमोसोम हाफ किधर जाएगा, आधा क्रोमोसोम तो निकलना ही है कैसे भी, तो हाफ क्रोमोसोम पोलर बॉडी में आ जाता है, तो पोलर बॉडी का जनरेशन इसीलिए ही होता है ताकि टू गेट रिड ऑफ द हाफ क्रोमोसोम, कि हाफ क्रोमोसोम चाहिए ही नहीं गैमेट में, एक आधा ही होना चाहिए और आधा आप निकाल के फेंक दो भले ही, बट हमें नहीं चाहिए हाफ क्रोमोसोम, बट साइटोप्लाज्म चाहिए क्योंकि पोलर बॉडी का आगे कुछ काम नहीं है, तो इससे साइटोप्लाज्म ले लो इसको डीजेनरेट करा दो, हो गया। नाउ द सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट स्टार्ट्स मियोसिस 2, मियोसिस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं अभी तक, मैच्यूरेशन फेज चल ही रहा है, चल ही रहा है, कब से चल रहा है, 10-12 साल से चल रहा है मैच्यूरेशन फेज। देखो मैच्यूरेशन फेज का सेकेंड पार्ट चालू हो गया, मियोसिस 2 अगेन गेट्स अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 इन ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी ऊसाइट किधर था, ग्राफियन फॉलिकल में, देखो प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अर्ली टर्शियरी, फिर टर्शियरी को ही ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं हम लोग,
ये सब पढ़ोगे आप फॉलिकुलोजेनेसिस में, मतलब फॉलिकुलर स्टेजेस जो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट ने मियोसिस टू तो स्टार्ट कर दिया बट वापस अरेस्ट हो गया। मैंने बोला था औरत का नेचर वैसा ही है, कंजर्व करना है, कंजूसी है, तो वो एक साथ एनर्जी खत्म नहीं कर रहा है, वो रुक रहा है। पहले वो रुक गया ताकि फीमेल ज़्यादा एनर्जी खत्म ना हो और फीमेल थोड़ा मैच्योर होने तक, प्यूबर्टी आया फिर वापस प्रोसेस चालू हो गया। अभी वापस रुक गया, अभी दिस फॉलिकल विल वेट टिल मैच्योरिटी, मतलब फर्टिलाइजेशन। अभी क्या होगा ना, ये रुक गया मेटाफेज टू पे, मतलब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो रुक गया मेटाफेज टू पे। अभी हमें पता है मेटाफेज में भी, सॉरी मियोसिस टू में भी मेटाप्रोफेज, मियोसिस टू में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होगा। प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, और इसका प्रोफेज नॉट डिवाइडेड इनटू फाइव स्टेजेस, इसका सिंपल प्रोफेज होता है। तो इस मेटाफेज पे जाके वो रुक गया है, मेटाफेज मियोसिस टू के मेटाफेज टू पे। पहले किधर रुका था, पहले रुका था प्रोफेज वन ऑफ डिप्लोटीन, अभी रुका है मियोसिस टू ऑफ मेटाफेज टू, याद रखो इन ग्राफियन फॉलिकल। अभी क्या होगा ना, इस स्टेज तक आ गया। अभी जो भी, जैसे कि हम लोग ने बोला पहला मेंस्ट्रुएशन आने वाला है दिस चाइल्ड में, तो ना मेंस्ट्रुएशन के लिए पहले तो एफएसएच आ गया, एफएसएच ने इधर एफएसएच आ गया फ्रॉम ब्रेन, एफएसएच ने उसको सर्च किया, तभी जाके डेवलपमेंट हुआ, मैच्योरेट फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुआ ड्यू टू एफएसएच। अभी एलएच सर्च होगा तो ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ ओवम, तो ओव्यूलेशन से ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा ड्यू टू एलएच सर्च ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच सर्च होता है जनरली, ओके। तो ड्यू टू एलएच सर्च द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, ड्यू टू द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जिसे हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या था, वो कवरिंग्स के अंदर क्या था, कवरिंग्स के अंदर था सेकेंडरी ऊसाइट विच इज हैप्लॉइड इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ऊसाइट जो कि था ग्राफियन फॉलिकल के अंदर विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, वो रिलीज्ड। सेकेंडरी ऊसाइट विच वाज इन द ग्राफियन फॉलिकल इज रिलीज्ड, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज्ड जो कि अरेस्टेड है मेटाफेज टू में। अभी सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज किधर हुआ, रिलीज हुआ इन द मतलब कैविटी में रिलीज होता है, फिर इनफंडिबुलम जो फनल शेप्ड है ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फनल शेप पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब कलेक्ट्स द ओवम एंड कैरीज इट टूवर्ड्स द एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन जहाँ फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ओके। मतलब फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हो वो। अभी इसका नसीब क्या है, देखो देखो देखो, एवरी ओव्यूलेशन डज नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, हेंस एवरी कॉइटस डज नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। तो उसका फेट क्या है, ओके फेट है अगर समझो प्रेगनेंसी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी नहीं बोल सकते, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म आया, मीट हो गया। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ना कंप्लीट्स मियोसिस टू, अनइक्वल साइटोकाइनोसिस, तभी जाके बनता है ओवम टू, ओवम विथ विच इज हैप्लॉइड अगेन एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी विच अगेन डीजेनरेट्स लेटर, सेकेंडरी पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ देन आफ्टर 2 डेज इट डीजेनरेट्स। तो देखो इसीलिए ही, क्योंकि 99% ऑफ द केसेस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बिकॉज वी आर मैमल्स, द रिप्रोडक्शन रेट इज स्लो। हम लोग ऐसा वी आर नॉट लाइक कैट्स डॉग की 7-8 बार, मतलब ज्यादा और ज्यादा लाइक इंसेक्ट्स एंड ऑल, ज्यादा ज्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है मैमल्स का। तो फर्टिलाइजेशन 99 केसेस, 99% ऑफ केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होना है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होना है तो इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करना है उस गैमेट के ऊपर जिसका फर्टिलाइजेशन होके जिसका आगे कुछ मतलब काम ही नहीं होने वाला है, जिसका आगे कुछ फ्यूचर ही नहीं है, तो उसके ऊपर इतना पैसा खर्च क्यों करना है, इतना एनर्जी खर्च क्यों करना है। इसीलिए ही इतना ऑन ऑफ प्रोसेस हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे, कि रुक रुक के रुक रुक के हो रहा है। तभी फर्टिलाइजेशन होने के बाद इट कंप्लीट्स द मियोसिस टू, फिर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस अगेन टू रिटेन द साइटोप्लाज्म एंड एनर्जी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाता है टू गेट रिड, ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी, टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड क्रोमोसोम्स विच डीजेनरेट्स, पोलर बॉडी डीजेनरेट्स। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखने मिलता है कि मियोसिस टू और मैच्यूरेशन डिवीजन इन ओवम इज कंप्लीटेड व्हेन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही, जैसे ही स्पर्म एग को एंटर करेगा तभी जाके मियोसिस टू का मतलब क्या होता है ना, स्पर्म के पास होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स,
स्पर्म के पास होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो हमें सीक्वेंस पता है, लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया कि क्या क्या होता है। देखो हमें पता है कि सेकेंडरी ऊसाइट मेटाफेज टू पे अरेस्टेड है, मेटाफेज टू पे अरेस्टेड है, तो जैसे ही स्पर्म आके इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमें पता है कि मियोसिस टू का क्या रेंज है, व्हाट इज द दिस, प्रोफेस के बाद होगा मेटाफेस, मेटाफेस के बाद एनाफेस, एनाफेस के बाद टीलोफेस, फिर टीलोफेस टू होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, फिर सेल डिवीजन खत्म। तो क्या होता है ना, प्रो मेटा, मेटा पे अरेस्टेड है, तो स्पर्म के पास होता है मेटाफेस डिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंड एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को रिलीज करता है ताकि इसमें जो ये जिसके वजह से वो इनहिबिट होके है, मतलब पॉज होके है मेटाफेज पे, वो खत्म हो, मेटाफेज टूटे, एनाफेज में जाए सेल, वो डिवाइड करे। ये होता है स्पर्म के पास, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज इन स्पर्म। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही मैच्यूरेशन डिविजन इन ओवम इज कंप्लीटेड। तो आप मुझे बताओ कि हाउ मेनी टाइम्स ओवम इज फॉर्म्ड इन एन फीमेल, जितना ओवम फॉर्म्ड इन अ फीमेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ चाइल्ड शी बेयर्स, नंबर ऑफ चाइल्ड शी बेयर्स और नंबर ऑफ प्रेगनेंसी शी गेट्स। चाइल्ड ऐसा भी नहीं कि हाँ अनवांटेड प्रेगनेंसी हटा दिया तो आप बोल सकते हो, बट नंबर ऑफ प्रेगनेंसी शी गेट, ओके इतनी बार ही ओवम बनता है। बट अ मैन कैन हैव मिलियंस ऑफ स्पर्म विद हैविंग, अ मैन को दो तीन चाइल्ड हो सकते हैं, एक मैन मेल कैन हैव टू 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 थ्री चाइल्ड बट मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, बट एन फीमेल के पास उतने ही ओवम होंगे जितने उसके चाइल्ड या प्रेगनेंसीज होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ओवम इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन अर्ली एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ अर्ली एम्ब्रियोनिक, मैच्यूरेशन स्टार्ट इन अर्ली एम्ब्रियोनिक बट एक्सीड टिल टू प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन तक चलता रहता है मैच्यूरेशन डिविजन। इसमें दो बार पॉज, दो बार पॉज एंड अनपॉज होते रहता है इसमें। सो दिस इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जब आप फॉलिकुलर जेनेसिस पढ़ोगे आप उसमें भी देखोगे कि और कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, विच वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट।